गंगा और जमुना पार्टनर है इन द रेशियो 2:1 और इनकी जो कैपिटल्स हैं वो रुपीज़ 1,02,000 और रुपीज़ 70,000 हैं। इन्होंने सरस्वती को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। सरस्वती जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है रुपीज़ 25,000 और उसने एग्री किया कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि सरस्वती कितनी कैपिटल लेकर आएगी इन टू द बिजनेस। ठीक है बच्चों, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है रुपीज़ 43,750, दूसरा ऑप्शन है रुपीज़ 37,500, तीसरा ऑप्शन है रुपीज़ 50,000 और चौथा ऑप्शन है रुपीज़ 40,000। ठीक है बच्चों, तो आइए पता करते हैं सरस्वती कितनी कैपिटल लेकर आएगी इनटू द फर्म। तो सबसे पहले आप गंगा और जमुना की कैपिटल जो है उनको जोड़ लीजिए और साथ साथ उसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को भी जोड़ दीजिएगा, बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल अल्टीमेटली गंगा और जमुना का ही मिलेगा। अलग अलग कितना मिले वो मैटर नहीं करता, लेकिन टोटैलिटी में 25,000 इन दोनों को मिलेगा। तो गंगा की जो कैपिटल पहले थी 1,02,000 उसको जोड़िए, जमुना की कैपिटल जो है 73 वो जोड़िए और 25,000 जोड़ दीजिए जो प्रीमियम का पैसा आया है। ये सब जोड़कर आ जाएगा बच्चों रुपीज़ 2,00,000। ठीक है बच्चों, तो 25,000 जो प्रीमियम है वो गंगा और जमुना का ही है, अलग अलग चाहे कितना भी हो मिलाकर ये 25,000 ही होगा जो दोनों को मिलेगा। तो एक आपकी इनकी कंबाइंड कैपिटल आ गई रुपीज़ 2,00,000। अब इस कंबाइंड कैपिटल को यूज करके आप फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी? जो कंबाइंड कैपिटल है उसको रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब रिमेनिंग शेयर कैसे आता है? रिमेनिंग शेयर आता है 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, यानी कि रिमेनिंग शेयर है 4/5। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग कैपिटल है और ये रिमेनिंग शेयर है। रिमेनिंग कैपिटल को अगर रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, यानी 2,00,000 × 5/4 कर दीजिए, ये आ जाएगी 2,50,000 फर्म की कैपिटल, टोटल कैपिटल। ठीक है बच्चों, और जब फर्म की टोटल कैपिटल आ गई तो नए पार्टनर कैपिटल ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 2,50,000 है जो फर्म की टोटल कैपिटल है उसको सरस्वती के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सरस्वती के हिस्से की कैपिटल आ जाएगी रुपीज़ 50,000। ठीक है बच्चों, तो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करके हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल ली, सॉरी सीधा न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकाल ली। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी है, दिस इज द राइट आंसर 50,000। हमने क्या करा, गंगा की कैपिटल, जमुना की कैपिटल और प्रीमियम तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि प्रीमियम भी अल्टीमेटली उन्हीं को मिलना था, दैट्स वाई। तो इससे इनकी कंबाइंड कैपिटल आ गई गंगा और जमुना की है आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल 2,00,000। फिर इस 2,00,000 को हमने रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। और जब टोटल कैपिटल आ गई तो फिर सिंपली सरस्वती के शेयर से मल्टीप्लाई किया और सरस्वती की कैपिटल हमने निकाल ली और आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों,